फार्मा बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए फार्मा बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस और होल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पर विचार करते हुए एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच की आवश्यकता होती है स्टार्ट करने के लिए यहाँ कुछ जनरल प्वाइंट दिए गए हैं मार्केट और कस्टमर आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर अपने टारगेट कस्टमर्स की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को गहराई से समझे चाहे वह डॉक्टर हो मरीज हो अस्पताल हो या अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हो। यह आपके उत्पादों सेवाओं और मार्केटिंग प्रयासों को अनुकूलित करने में मदद करता है फोकस ऑन अनमेट नीड्स बाजार में उन गैप्स की तलाश करें जहां मौजूदा समाधान अपर्याप्त या अनुपलब्ध है अनमेट नीड्स को पूरा करने से आपको कंपिटेटिव में मिलती है और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है ट्रैक मार्केट ट्रेंड्स अपनी अप्रोच को अनुकूलित करने और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का अनुमान लगाने के लिए रेगुलेटरी चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इमर्जिंग डिजीजेस पर अपडेट रहें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्वेस्ट इन्वेस्टना डी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करें या यूनिक फॉर्मुलेशंस डिलीवरी मेथड्स या कॉम्बिनेशन के माध्यम से मौजूदा उत्पादों को डिफ्रेंशिएट करें रेगुलेशंस और एथिकल गाइडलाइंस का पालन करना याद रखें एक्सपैंड योर पोर्टफोलियो डायवर्स कस्टमर नीड्स को पूरा करने और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की एक वाइडर रेंज बनाने पर ध्यान दें इन शो क्वालिटी एंड कंप्लायंस हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें और ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पालन करें मार्केटिंग एंड सेल्स बिल्ड अ स्ट्रॉग ग्रांड एक क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी विकसित करें, जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स के साथ मेल खाती हो और आपकी वैल्यूज और एक्सपर्टीज को बताती हो यूटिलाइज एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री रेगुलेशंस का अनुपालन करें और मिसलीडिंग या एग्जेजरेटेड क्लेम्स से बचें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स को एक्यूरेट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करने पर ध्यान दें लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने और उन्हें अपनी ऑफरिंग्स के बारे में एजुकेट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग करें बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप्स अपनी रीच को एक्सपैंड करने और वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ साझेदारी विकसित करें एडिशनल स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, एफिशिएंसी में सुधार और लागत कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को सुव्यवस्थित करें एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी आरडी डेटा एनालिसिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए डिजिटल सोल्यूशंस का उपयोग करें फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी बढ़ती एथिकल कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ तालमेल बिठाने के लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और सोशली रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव्स को अपनाएं। याद रखें ये केवल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं आपके द्वारा लागू की जाने वाली स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपके यूनिक बिजनेस मॉडल रिसोर्सेज और टारगेट मार्केट पर निर्भर करेंगी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए सम्पूर्ण रिसर्च करना विशेषज्ञ की सलाह लेना और आवश्यकतानुसार अपना दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है